नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा सावन महीने में ही क्यों सबसे ज्यादा की जाती है, या फिर भगवान शिव जी को सावन का महीना ही क्यों सबसे ज्यादा पसंद है? दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब विष उत्पन्न हुआ था, उस विष को भगवान भोले भंडारी यानी शिव जी ने ग्रहण किया था, और उस विष को उन्होंने जब ग्रहण किया तो शिव जी के शरीर पर काफ़ी सारी परेशानियां आने लगीं। उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया। तपिश के कारण उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होने लगी, और तभी इंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ के शरीर को शीतल बनाने के लिए बहुत ज़ोरों से बारिश की, और उस बारिश के साथ ही इंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ जी के शरीर में ठंडक प्रदान की। और वह जो महीना था, वह जो घटना घटी थी, वह सावन का ही महीना था, और तभी से भगवान भोलेनाथ जी को नहलाया जाता है। सावन के महीने में पूजा अर्चना की जाती है। विशेष रूप से सावन का महीना भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और तभी से चाहे लड़कियां हों चाहे औरतें हों, यदि कुंवारी लड़कियां हैं तो वह अपने वर को यानी अपने पति को सुंदर रूप में प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना व्रत करती हैं, और जो महिलाएं शादीशुदा हो जाती हैं वह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चन करती हैं। एक बात और है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करना बहुत ही आसान है। सभी देवताओं में शिव शंकर जी की ही पूजा करना सबसे आसान माना गया है। यदि आप उन्हें जल बस चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।